नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री एग्जाम पास में। मैं राहुल वर्मा, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेयरी करंट अफेयर्स पार्ट टू। ये दोस्त करंट अफेयर्स है आपके आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, चाहे वो UPSSC का कोई एग्जाम हो या UPSC का हो या SSC का हो या रेलवे NTPC या ग्रुप डी, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कम्युनिकेशन सेटेलाइट G30 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये सेटेलाइट दक्षिणी अमेरिका तट पर स्थित फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। उस रॉकेट का नाम है एरियन फाइव रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इस सेटेलाइट की जो लाइफ है वो 15 साल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर में बाढ़ के दौरान बचाव के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो दोस्तों उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनीला उसका ऑपरेशन का नाम है। ये मेडागास्कर एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर बारिश और बाढ़ से लगभग 16,000 लोग विस्थापित हुए हैं और 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने किस देश को 30 एम्बुलेंस और 6 बसें दी हैं? तो ये देश है नेपाल। भारत 1994 से लगभग अलग अलग मौक़ों पर नेपाल को लगभग 782 एम्बुलेंस और 154 बसें प्रदान कर चुका है। इसके साथ में भारत ने नेपाल के और भी हेल्प की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैव ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये दोस्तों देश है ब्राज़ील। अभी हाल ही में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिस पर अलग अलग ये 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2019 में दुनिया के सबसे ख़राब ट्रैफिक वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों भारत के 3 शहर शामिल हैं। 2019 में सबसे ख़राब ट्रैफिक में सबसे पहला नाम बेंगलुरु का है जो इंडिया से है, दूसरा नाम मनीला है जो फिलीपींस से, तीसरा बोगोटा कोलंबिया से, चौथा नाम मुंबई इंडिया से और 5वां नाम पुणे इंडिया से है। ये दोस्तों भारत का बेंगलुरु सबसे पहले ख़राब ट्रैफिक वाले शहरों में है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों में सबसे झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? ये दोस्तों सबसे झांकी का अवार्ड मिला है असम की झांकी। इसकी थीम थी अनूठे शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि, तथा उड़ीसा और यूपी दूसरे स्थान पर रहे हैं दोस्तों। ये इसकी जो थीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। वीडियो को रोक कर आप फिर से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो यह शब्द चुना है संविधान को। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव हुए हैं, मंदिर जो अयोध्या मंदिर मस्जिद जो विवाद हुआ है और CAA जो अभी हाल ही में हुआ है, इसके अलावा अनुच्छेद 370 पर जो संविधान की अहम भूमिका रही है उसी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हिंदी शब्द संविधान को 2019 वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी BJP में शामिल हुई, इनका क्या नाम है? इनका नाम है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में गेहूं की फसल में येलो रस्ट रोग से किस राज्य में फसल बहुत प्रभावित हुई है? ये दोस्तों प्रभावित हुई है पंजाब और हरियाणा में। गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, जबकि पंजाब और हरियाणा उत्पादकता के स्थान पर प्रथम स्थान पर हैं। आज के लिए इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।